अच्छा क्लास भी करते हैं, पढ़ाई भी कर रहे हैं? बुक भी रखे, बुक भी लाते हैं। अच्छा अच्छा, इधर बुक भी रखे हुए हैं पढ़ने के लिए? बुक भी रखा है। मैंने बोला कि मतलब पैसे वैसे देने से मतलब इनकार किया कि मेरे से नहीं होगा तेरी पढ़ाई, तो मैंने अपना पढ़ाई चालू करने के लिए ये दुकान किया। मैंने सोचा अगर कहते हैं ना किसी चीज़ करने के लिए मालिक बनने से पहले नौकर बनना चाहिए, तो मैंने यही सोचा। जब नौकरी नौकर तो बन के देख लिया, अब क्यों ना मालिक बन के देख लिखे हैं आप? हाँ ये खुद से, मेरा खुद का ये। अरे ये सब आपका शौक है, मतलब खुद से लिखते हैं आप? मतलब लोग खाता भी है, खाने के बाद थोड़ा सा खुश होता है, लेकिन खाने से मैं इसको दे देता हूँ था कि देखते हैं, थोड़ा टाइम लग रहा है 2 मिनट 3 मिनट, तो कहता हूँ लो मतलब लीजिए इसको पढ़िए, और थोड़ा सा अच्छा लगे तो बताइए, अगर ना अच्छा लगे तो करवा। तो जैसा कि आपको पता है हम लोग हर वक्त कोशिश करते हैं किसी नए एरिया में जाएं जहाँ का वीडियो पहले नहीं बनाए हों, कुछ नया आपके लिए ढूंढ के निकाले। बस उसी पर्पस को पूरा करने के लिए अभी हम लोग आए थे राजेंद्र नगर साइड में, इधर हम लोग एक वीडियो बनाए थे बहुत पहले जो देवीलाल का नया वाला लिट्टी चिकन का शॉप था उसका, आज वापस इधर आए कुछ नया मिले, और एक नया सा चीज़ देखने को मिला है, ग्रेवी मोमोज। मतलब मोमोज तो हम लोग भड़ा पड़ा देखते हैं हर थोड़े से डिस्टेंस पर, कोई मोमो बनाते हुए दिख जाएंगे, कोई मोमो खाते हुए भी दिख जाएंगे, कोई मोमो बेचते हुए दिख जाएंगे, बट ये ग्रेवी मोमोज जो है ये कुछ हटके लगा, तो सोचे कि ज़रा रुक के पता किया जाए कि क्या माजरा है, क्या यहाँ मिल रहा है। और ऐसा मोमोज, ग्रेवी मोमोज का जो कॉन्सेप्ट है ये हम लोग पटना के बाहर देख रखे हैं, दिल्ली वगैरह में या रांची में भी है, बट पटना में कभी देखे नहीं थे, तो बस इसी चीज़ को देख के रुक गए हैं। और एक और इंटरेस्टिंग चीज़ लगा है बोर्ड पर, 12th फेल मोमो वाला, तो इसी नाम को देख कर हम लोग रुक गए हैं, और आज हम लोग एक्सप्लोर करने वाले हैं पटना के एक नए से चीज़ को जिसका कि नाम है ग्रेवी मोमोज। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो में। फिलहाल राजेंद्र नगर के पास हैं, ये जो है राजेंद्र नगर पुल जो है वो नीचे उतरता है, जो रोड है ये सीधा चला जाता है नाला रोड की ओर, बट नाला रोड तक आपको जाना नहीं है, उसके बिल्कुल पहले ही है यहाँ पर ये वाला कार्ट। भैया क्या नाम हुआ आपका? अभिषेक पांडे। और कहाँ से ये मतलब कॉन्सेप्ट लेकर आए आप ग्रेवी मोमोज का? दिल्ली से। दिल्ली? आप पहले वहाँ रहते थे? हाँ दिल्ली में गया मैं, इसका मतलब एक साल जॉब किया इसमें। अच्छा। 10th की जब एग्ज़ाम दिया और घर पे बैठा था, तो एग्ज़ाम के देने के बाद मैं दिल्ली गया, दिल्ली गया इसमें 1.5 साल काम किया मैंने। अच्छा। काम करने के बाद मैंने इसका मतलब सीखा, उसके बाद जब घर पे आया तो घर वाले ने बोला कि अब रहने दे मत जाओ, मतलब घर वाले ने बोला कि मतलब पैसे वैसे देने से मतलब इनकार किया कि मेरे से नहीं होगा तेरी पढ़ाई, तो मैंने अपना पढ़ाई चालू करने के लिए ये दुकान किया। मैंने सोचा अगर कहते हैं ना किसी चीज़ करने के लिए मालिक बनने से पहले नौकर बनना चाहिए, तो मैंने यही सोचा। जब नौकरी नौकर तो बन के देख लिया, अब क्यों ना मालिक बन के देखूँ, बड़ा मालिक से अच्छा छोटा मालिक ही बन के देखूँ, तो मैंने वही फिर सोचा। मैंने फिर खुद का अपना जब देखा हाथ में हुनर ही है, मैं खुद ना अपना बिजनेस चालू कर दूँ, तो वही मैंने फिर अपना स्टार्ट किया, और लोगों को पसंद भी है, बहुत अच्छा है, बहुत लोगों को पसंद है। मैंने ग्रेवी बहुत सोच समझ के मतलब खोला कि पता नहीं लोगों को अच्छा लगे या ना लगे, फिर लेकिन खोला, एक को खिलाया, जबरदस्ती खिलाया था। अच्छा। भैया टेस्ट करिए मेरे तरफ से, पैसा पटना पटना में। हाँ। अच्छा लगे या ना लगे मेरे तरफ से टेस्ट कीजिए। उसने खाया भाई ने और बोला बहुत अच्छा लगा, और कल आया फिर वही खोजा। अच्छा। हाँ फिर उसके बाद एक आया दो आया, फिर ऐसे करते चालू हो गया मेरा ग्रेवी, मतलब धीरे धीरे पकड़ने लगा, मार्केट में आ गया, तो इस तरीके से मैंने ग्रेवी चालू किया। पहले तो मोमोज ही चालू किया था, फिर उसके बाद ग्रेवी चालू किया। ये बोला था कि पटना में और कहीं मिलता भी नहीं हो, हम लोग तो कभी देखे नहीं कहीं पर। नहीं आसपास में कस्टमर लोग खुद बोलते हैं, मैं क्या बोलूँगा। हाँ। वो खुद बोलते हैं कि नहीं मतलब ये ग्रेवी जो है ना मोमोज सब जगह मिलते हैं, लेकिन ये ग्रेवी वाला जो आप ही के पास मिलता है, अगल बगल में कहीं नहीं मिलता, यहाँ तक मच्छर टोली जो है वहाँ तक के नज़र में। पूरे पटना में घूमते रहते, हम लोग कहीं नहीं देखे इस तरह ग्रेवी मोमोज, आप लोग अगर कहीं देखें तो कमेंट करके बताइएगा। और आप दिल्ली बस एक साल रहे हैं, एक साल में ही पूरा एक्सेंट आपका बदल गया, हम दिल्ली वाला भाषा बोल रहे हैं। हाँ मेरा मैं पता है बचपन से ही जब मम्मी पापा के साथ रहता था ना, 2007 से ही मतलब दिल्ली में रहा। अच्छा, तो अच्छा। उसके बाद फिर यहाँ पे आया, फिर मतलब 2019 में गया मैं दिल्ली। अच्छा। मम्मी पापा फिर चले आए घर, मैं 2019 में गया एग्ज़ाम देके। तो ये सीखे बनाना आप वहीं पर? हाँ वहीं पर। चलिए तो बहुत नया चीज़ है, हम लोग सारा कुछ देखेंगे ज़रा कैसे बनता है, फिर खा के हम लोग टेस्ट बताएंगे कैसा लगा। जो हमारा ग्रेवी मोमोज है ये बनना स्टार्ट हो रहा है, ये ऑलरेडी घर से बना के लाते हैं ना मोमोज? यस, ये बना के लाते हैं रूम पे से, खुद बनाता हूँ। ये सब खुद से बनाते हैं? खुद से सब कुछ, ये चटनी वगैरह जितना आता ग्रेवी वगैरह सब कुछ बनाता हूँ। इधर आप क्या लिख के रखे हैं? ये कोट्स लिखा हुआ है। कोट्स लिखा हुआ है? हाँ। पढ़ के सुनाइए एक बार। देखिए, अगर किसी इंसान को अच्छे से समझाना चाहते हो तो उसे बोलने दो, क्योंकि हर इंसान की सच्चाई उसकी जुबान पे नहीं मतलब जुबानों के पीछे छुपी होती है। मतलब जैसे कोई व्यक्ति कुछ भी बोल रहा है उसे बोलने दो, क्योंकि जो भी बोलेगा मतलब मैं तो जान रहा हूँ कि मैं सच बोल रहा हूँ, लेकिन आपको क्या पता है सच बोल रहा है झूठ बोल रहा है। ये क्या खुद से लिखे हैं आप? हाँ ये खुद से, मेरा खुद का ये। अरे ये सब आपका शौक है, मतलब खुद से लिखते हैं आप? मतलब लोग खाता भी है, खाने के बाद थोड़ा सा खुश होता है, लेकिन खाने से मैं इसको दे देता हूँ था कि देखते हैं, थोड़ा टाइम लग रहा है 2 मिनट 3 मिनट,
तो कहता हूँ लो मतलब लीजिए इसको पढ़िए और थोड़ा सा अच्छा लगे तो बताइए, अगर ना अच्छा लगे तो कोई बात नहीं। जो भी कस्टमर आते हैं उनको आप ये दे देते हैं, अगर टाइम लग रहा है तो दे देते हैं, वेटिंग पीरियड में आप ये दे देते हैं। ये रोज हर एक ये नहीं रहता, आज ये है तो कल दूसरा रहता है। हर रोज कुछ नया कोट आप लेकर आते हैं। ये भी लोगों को पसंद पड़ता है, जिस दिन ये नहीं लाते ना उस दिन लोग कहते हैं भैया मतलब आज लिखा नहीं आपने कुछ। अच्छा बात है, सबको पसंद है ये। बहुत अच्छा अच्छा चीज़ और बहुत अलग अलग तरह का चीज़ यहाँ देखने को मिल रहा है। सबसे पहले इस तरह से मोमोज को फ्राई करना, ये ऑलरेडी स्टीम किया हुआ रहता है क्या? हाँ स्टीम किया हुआ रहता है, रूम पे स्टीम करते हैं और यहाँ पे लाके गर्म करना पड़ता है। सिर्फ सिर्फ वेज बेचते हैं, मतलब नॉन वेज नहीं? नहीं ओनली वेज, वेज और पनीर। ऐसा मतलब भेदभाव क्यों नॉन वेज के साथ? क्योंकि मतलब क्लास भी करना पड़ता है मेरे को। अच्छा क्लास भी करते हैं, पढ़ाई भी कर रहे हैं? बुक भी लाते हैं। अच्छा अच्छा, इधर बुक भी रखे हुए हैं पढ़ने के लिए? बुक भी रखा है, टाइम मिल जाता है तो यहाँ पे भी कर लेते हैं और रूम पे भी करना पड़ता है तो इस वजह से टाइम नहीं मिल पाता, तो चिकन बना नहीं पाते। ये 12th फेल क्यों है फिर? मतलब 12th दिए हुए हैं यहाँ पर? नहीं ये तो मैं ग्रेजुएशन सेकंड ईयर में हूँ। अच्छा हाँ, ये मैंने लोगों को आकर्षित ऐसा करते हैं ना अट्रैक्शन करने के लिए। अच्छा अच्छा अच्छा, ये स्ट्रैटेजी था लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए। हाँ ये एक्चुअल में 12th पास आप हैं, ग्रेजुएशन में फिलहाल हैं। बस ये लोगों क्योंकि हर नाम तो लोग रखते हैं स्पाइसी स्पाइसी स्पाइसी, लेकिन अगर मैं भी अगर ये नाम नहीं रखता 12th फेल तो आप भी आ जाते तो देख के इग्नोर करके चले जाते हैं। लेकिन 12th फेल नहीं, हम तो ग्रेवी मोमोज देख के रुके हैं, आपका मेन वो अट्रैक्शन था। बहुत लोगों को मैंने देखा जिस दिन से मैंने बैनर लगाया, बहुत लोगों ने मेरा वीडियो बनाया इसका, इस बैनर का फोटो भी खींच के ले गए। अच्छा हाँ, इस वजह से मैंने लोगों को मतलब थोड़ा अट्रैक्ट करने के लिए ये बैनर लगाया। चलिए, तो आमतौर पर लोग अपना डिग्री लगाते हैं MBA वाला, ग्रेजुएट चाय वाला, ये चाय वाला, वो चाय वाला, मतलब पॉजिटिव साइड दिखाते हैं, बट आप उल्टा ये दिखा रहे हैं 12th फेल, 12th फेल मोमोज वाला। ये ग्रेवी मोमोज में मतलब फ्राइड मोमोज ही जाता है? हाँ फ्राई आएगा, फ्राई करके इसमें मसाला मिक्स होगा, ग्रेवी का मसाला मैंने घर से ही बना के लाया है। यहाँ पे रेड व्हाइट मेयोनीज वाला और ग्रेवी मसाला और इसमें नींबू प्याज सब मिक्स करके, वो तो जब बनेगा तो हम सारा प्रोसेस जो है वो देखेंगे। ये कौन सा वेज मोमोज है? ये वेज मोमोज है, और एक वेज रखते हैं एक पनीर रखते हैं, बस दो तरीके का पनीर। मोमोज को एकदम डीप फ्राई करना होता है? कड़क फ्राई होगा, डीप फ्राई होगा तो ग्रेवी थोड़ा अच्छा लगता है खाने में। और टाइमिंग क्या होता है यहाँ का दुकान खुलने का? हाँ पे मतलब 4:30 बज जाता है, लेट हो जाता है, 4:30 बज जाते हैं पूरे। क्लास वगैरह करके आप 4:30 बजे के आसपास स्टार्ट करते हैं? 4:30 बजे स्टार्ट कर देते हैं। और एग्जैक्ट लोकेशन क्या बताते हैं यहाँ का? वही 4:30। लोकेशन क्या बताते हैं यहाँ का एग्जैक्ट लोकेशन? ये मतलब जगह का नाम ये वैशाली गोलम्बर है। वैशाली गोलम्बर, हाँ हाँ वैशाली गोलम्बर है। और इधर जो है ये है प्रमोद लड्डू, प्रमोद लड्डू भंडार है, उसके बिल्कुल सामने में ही ये वाला जो कार्ट है ये लगता है। और इधर जो है मोमोज हो चुका है फ्राई। नेक्स्ट इसे इधर बाहर निकाला गया, अब जो है ये ग्रेवी का तैयारी होगा। तो सबसे पहले इसके अंदर जो है मोमोज गया। नेक्स्ट ये हो गया भैया जो नॉर्मल जो रेड चिली वाला होता है वो चटनी। अब गया ऊपर से ये थोड़ा सा मेयोनीज, ये हो गया क्या चाट मसाला? चाट मसाला और मिक्स रहता है थोड़ा गरम मसाला। चाट मसाला और गरम मसाला, ये क्या हो गया? ये हो गया ग्रेवी का। अच्छा यही जो है अलग से डालते हैं ग्रेवी का? सब कुछ मिक्स रहता है इसमें। क्या क्या डालते हैं इसमें? इसमें चाट मसाला रहता है, फिर कहते हैं ब्लैक पाउडर रहता है मतलब काला मिर्च का। अच्छा और गरम मसाला रहता है। ये लिक्विड से क्या है, मेयोनीज का रहता है? ये मेयोनीज और रेड चटनी रहता है इसमें मिक्स करके, बाकी वो जो मसाला बताया वो रहता है। अच्छा तो ये सब आप दिल्ली में रह के सीखे हैं, जो एक साल वहाँ काम किए हैं? हाँ वहाँ यही करते थे, मोमोज बनाते थे? मैं यही के लिए गया था, ये बस एक साल के लिए भी बैठा हुआ था तो मैं सोचा कि कुछ ना कुछ कर ही लेता हूँ। तो मतलब इसी में मेरे को मेरे दोस्त के पापा ने बताया था कि कोई है कोई काम, ये प्याज डाला। अब गया ऊपर से नींबू, नेक्स्ट अब इसको इस तरीके से मिक्स करना। ये हो गया सब कुछ डाल दिए? हाँ सब कुछ डाल गया है। और इसका प्राइस क्या हो जाता है? ये वेज का मतलब 50 रुपये पड़ जाता है और पनीर का फुल प्लेट का 10 पीस बन जाता है 60 रुपये। और वेज का 50 में 10 पीस है? हाँ। और विदाउट ग्रेवी का क्या रेट है? विदाउट ग्रेवी का फ्राई 40 है, स्टीम में 30 है। अच्छा और ग्रेवी वाला ये हाफ भी मिलता है? हाफ भी मिलता है, 25 का है और ये फुल 50 का है। मोमोज जो है हो चुका है तैयार, अब इसे इस तरह से प्लेट में निकाला जाएगा, जो कुछ भी डालना था वो डाल दिया गया। इधर हमारा गर्मा गर्म जो ग्रेवी मोमोज है वो आ चुका है और काफ़ी यूनिक सा चीज़ है, पहली बार हम ये ट्राई करने वाले हैं। क्वांटिटी सफिशियंट है 50 रुपये के हिसाब से, और बहुत अच्छा लगा जो यहाँ के ओनर है उनसे बात कर रहे हैं, सारा कुछ खुद से कर रहे हैं, खुद ही बना रहे हैं, खुद ही पढ़ाई भी कर रहे हैं, मतलब बहुत अच्छा लगता है ऐसे लोगों से मिलकर।
तो मोमोज का जो टेस्ट है वो किया जाए। काफ़ी अच्छे से पहले तो फ्राई किया गया है एकदम, ये हल्का सा हार्ड सा ये कोटिंग जो है ये हो चुका है, हल्का डीप फ्राई जो है वो किया गया था। अब करते हैं पहले ग्रेवी को टेस्ट करते हैं फिर मोमोज को ट्राई करेंगे। हल्का सा खट्टापन और ज़्यादा सा तीखापन, क्योंकि जो रेड वाला चटनी था उसको भी मिक्स किया तो हल्का सा तीखापन ज़्यादा है और ज़रा सा आपको मिलेगा खट्टापन। ये दो स्वाद जो है ये डोमिनेट करेगा इस पर। बाकी प्याज का भी, जो प्याज भी मिक्स इसमें है तो प्याज का टेस्ट आ रहा है और थोड़ा जो चटपटा वाला स्वाद है वो अच्छा चाट मसाला का अच्छा लगेगा। हम लोगों को तो पसंद आएगा क्योंकि हमको थोड़ा स्पाइसी पसंद है, तो जो हमारे कैटेगरी के लोग हैं उन लोगों को ये पसंद आएगा। अब जो है ये मोमोज को करते हैं ट्राई। मोमोज का साइज़ प्रॉपर मतलब जो होता है आमतौर पर बस वही साइज़ है। रेट सही लगा, 50-30 रुपए में 10 पीस मोमोज। नॉर्मल स्टीम लेते हैं तो, फ्राई लेते हैं तो 40 और ये लेते हैं तो 50। स्वाद बहुत सही है, बहुत सही है स्वाद। हल्का सा कुरकुरापन है क्योंकि अच्छे से फ्राई किया गया था और वो बता भी रहते हैं कि इस ग्रेवी मोमोज को डीप फ्राई किया जाता है। रीज़न क्या है, अगर इसको डीप फ्राई नहीं करेंगे तो ये जो आप ग्रेवी देख रहे हैं, ये जो ग्रेवी इसके ऊपर डाला गया है इससे मोमोज थोड़ा सॉगी ऐसा हो जाएगा, तो वो सॉगी नहीं हो इस वजह से हमको लगता है कि इसे डीप फ्राई किया जाता है और बढ़िया स्वाद आया, मतलब मज़ा आ गया खा के। इस तरह से पटना के सड़क पर आज से पहले हम कभी मोमोज खाए नहीं थे। तंदूरी मोमोज खा रखे हैं, वो नॉर्मल मोमो से थोड़ा हटके होता है, बट ये कुछ अलग कॉन्सेप्ट लगा और बहुत हैवी सा चीज़ है। 50 रुपये में आपका पेट भर जाएगा और बहुत बेहतरीन स्वाद लगा। तो एक दो लोग हमको याद आ रहा है कि बहुत पहले कमेंट करके पूछे भी थे कि पटना में कहीं ग्रेवी मोमोज मिलता है क्या, तो मिलता है, यहाँ मिलता है 12 पेल मोमो वाले के यहाँ मिलता है। तो आइएगा खाइएगा, जो प्रमोद लड्डू भंडार का लोकेशन है डाल देंगे, वहाँ आइएगा आपको ये दिख जाएगा। शाम के वक्त स्टार्ट होता है और मेरे लिए परफेक्ट सा चीज़ है ये। चिकन होता तो जो मज़ा है वो दुगना हो जाता, पर चिकन नहीं है फिर भी वेज भी सही लग रहा है। उसका जो फीलिंग है बहुत हैवी फीलिंग नहीं है, नॉर्मल तो फीलिंग है, बट ये तो ग्रेवी लिए है ये टेस्ट को बहुत इन्हांस कर रहा है। तो ये लास्ट बाइट देते हैं, ख़त्म करते हैं वीडियो। कभी भी इधर से गुजर रहे हैं कुछ नया मन है खाने का, 50 वाला मत लीजिए, 25 वाला लीजिए, हाफ प्लेट लीजिए, अच्छा लगे तो और लीजिए, और खा के अपना जो रिव्यू है वो कॉमेंट सेक्शन में बताइएगा। थैंक यू सो मच।